हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रिंस कट कुर्ती की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी और इसमें कलिया किस प्रकार से अटैच की जाती है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इस कुर्ती को बनाने के लिए ये साड़ी में से डायमीटर फैब्रिक कट किया है और इस फैब्रिक में हम अस्तर भी अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हम फैब्रिक को इस प्रकार से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और ये फैब्रिक की ओपन साइड है और ये बंद साइड है। अब हम इसमें कुर्ती का मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड में से शोल्डर्स लेंगे। तो शोल्डर्स हम 7 इंच के लेंगे। तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से आर्महोल भी 7 इंच के लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और यहाँ से लेंगे चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच मार्जिन। तो मेरा यहाँ पर चेस्ट है 38 इंच, तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे तो 11.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंट कट कुर्ती बना रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर बीच में से कट करने के बाद में वापस जोड़ेंगे तो ये हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर ये मार्किंग करेंगे और यहाँ से कमर तक की लंबाई लेंगे 15 इंच, और यहाँ से हिप के लिए मार्किंग करेंगे 22 इंच पर। अब हम यहाँ से कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो कमर है हमारी 36 इंच, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए तो 11 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए तो हम यहाँ पर 12.5 इंच पर यह मार्किंग करेंगे और यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हिप का मेजरमेंट करेंगे तो हिप है हमारे 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच, और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए तो हम यहाँ पर 13 इंच पर यह मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से हम इस टाइप से इंची टेप को तिरछा रखेंगे और कॉर्नर से मिला लेंगे। अब हम इन सभी पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इससे क्या हमारे कोने नहीं निकलेंगे नीचे की साइड में। और यहाँ से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्महोल की शेप ड्रॉ कर लेंगे बैक पार्ट के लिए, और यहाँ से फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस टाइप से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई भी लेंगे 3 इंच, और यहाँ पर चौकोर बॉक्स बनाकर रेडी करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक पार्ट के लिए हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट के नेक की लेंथ लेंगे 6.5 इंच, और यहाँ से इस टाइप से चौकोर बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से 1/2 इंच पर शोल्डर्स को डाउन कर लेंगे और इस टाइप से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुर्ती की मार्किंग तो कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग कर ली है और ये साइड में जो फैब्रिक बचा है इसकी हम कलिया बनाएंगे। तो ये कलिया हम बाद में बनाएंगे, इसको एक तरफ रख लेते हैं। अब हम यहाँ से बैक पार्ट को अलग करेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर यह कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को वापस इसी तरह से सेट करके रख लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह से सेट करते हुए वापस रख लिया है। अब हम इसमें प्रिंट कट शेप ड्रॉ करेंगे। तो प्रिंट कट शेप ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर कॉर्नर पर यह मार्किंग करेंगे और यहाँ से 15 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से 4 इंच पर यह मार्किंग करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे और प्रिंट कट शेप ड्रॉ करेंगे। ये शेप ड्रॉ करने के बाद में
हम नीचे की साइड में 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रिंस कट शेप की मार्किंग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर यह कटिंग कर ली है। तो देखिए यहाँ से कमर तक की लंबाई के नीचे की साइड में हम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे कलिया अटैच करने के लिए। तो जो हमारी साइड में जो फैब्रिक बचा था उसकी हम कलिया बनाएंगे। तो इस फैब्रिक को हम यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर हमने 3 इंच पर यह मार्किंग की है, वहाँ पर हम इस टाइप से इनको रखेंगे। और यहाँ पर हम इन कलियों की ऊपर की साइड में से 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच पर यह मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड में इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे कली की। और जो नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये 4 कलियाँ बनकर तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर 2 कली को तो अलग कर लेंगे और यहाँ से बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बैक पार्ट को अलग कर लिया है और फ्रंट पार्ट को हम रखेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को अलग करने के बाद में हमारा यहाँ पर यह फ्रंट पार्ट बचा है। तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में कलियों को अटैच करेंगे। तो इस टाइप से बी सेंटर में इन कलियों को यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाकर इन कलियों को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड में हम सिलाई लगाकर इस कली को यहाँ पर अटैच कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी कली को अटैच करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर कलियों को ऊपर की साइड में से इस टाइप से इंची टेप को रखेंगे और 15 इंच तक हमारी कमर तक की लेंथ थी और 3 इंच नीचे की साइड में हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 18 इंच पर यह मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में और यहाँ से ही हमें कलियों को अटैच करना है। तो देखिए हमने यह जो मार्किंग की थी 18 इंच पर, तो वहाँ से हम इन कलियों को इस टाइप से रखेंगे और सिलाई लगा कर इन कली को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक साइड की कली तो अटैच कर ली है, अब हम दूसरी साइड में जो हमारा यहाँ पर फीस कट हुआ था आर्मोल की साइड में से उसको हम ऊपर की साइड में से रखेंगे आर्मोल की साइड में से और यहाँ से सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। और यहाँ से इस कली को बराबर में मिलाते हुए अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक साइड की कली को तो इस तरह से अटैच कर लिया है, अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड की कली को भी अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड में इन कलियों को अटैच कर लिया है। हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट में कली अटैच हो गई है, अब हम बैक पार्ट में भी इसी तरीके से कलियों को अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में भी कलियों को अटैच कर लिया है। तो देखिए हमारे यहाँ पर कुर्ती की लेंथ है 48 इंच। अब हम इस कुर्ती को अस्तर वाले फैब्रिक पर रखकर अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को इस टाइप से 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हम कुर्ती को इसके ऊपर रखकर इसके बराबर में ये मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग करने के बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट के नेक की मार्किंग करेंगे और आर्मोल की। तो हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर और यहाँ से इस टाइप से चौकोर बॉक्स बनाकर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से आर्मोल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 7 इंच पर यह मार्किंग करते हुए
फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को इस टाइप से बराबर में रखेंगे और इसके यहाँ तक हम सिलाई लगाकर इन दोनों को एक जगह कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को एक जगह रखते हुए साइड में ये सिलाई लगाकर इनको एक जगह कर लिया है। और ये साइड में सिलाई हम यहाँ पर ये कमर तक की लंबाई है वहाँ तक ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम आगे की साइड में अस्तर को अलग जॉइंट करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग से जॉइंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको खुला ही रखा है। अब हम इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट्स को चारों तरफ से सिलाई लगाकर एक जगह कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उरे में कटी हुई ये पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी और इस पट्टी को इस टाइप से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर रखेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर यह कट लगाकर इस पट्टी को नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से इस पट्टी को नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इस पट्टी को नीचे की साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। और इसी तरह से हम यहाँ पर बैक पार्ट के नेक को भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट के नेक को भी तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो इन दोनों पार्ट्स को बराबर में रखते हुए यहाँ से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव की लेंथ ली है 25 इंच। सिलाई मार्जिन लेके यहाँ से 3 इंच पर स्लीव को डाउन करेंगे और स्लीव की शेप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से स्लीव का बॉटम लेंगे हम 6 इंच मार्जिन लेते हुए और इस टाइप से तिरछा मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर स्लीव के फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर स्लीव कट कर तैयार हो गई है। अब हम स्लीव को कुर्ती के अटैच करेंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ पर स्लीव को रखेंगे और स्लीव को हम इस टाइप से रखेंगे कि बैक पार्ट को बैक साइड में और फ्रंट पार्ट को फ्रंट साइड में। और इस तरह से रखते हुए यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड की स्लीव को अटैच कर लेंगे। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन लेते हुए ये मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम 13 इंच पर यह मार्किंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड में फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने ये मार्किंग की है वहाँ तक ही हमें ये सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ से मेन फैब्रिक को तो अंदर की साइड में करेंगे और यहाँ से अस्तर वाले फैब्रिक को इस टाइप से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी अस्तर वाले फैब्रिक पर ये सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए अस्तर वाले फैब्रिक को हमने यहाँ पर साइड में से फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम अलग से अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर मेन फैब्रिक को अलग से अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे।
यहाँ से हमारा अस्तर वाला फैब्रिक अलग रहेगा और मेन फैब्रिक अलग रहेगा, क्योंकि हमारा अस्तर मेन फैब्रिक से चौड़ाई में थोड़ा कम है, तो हम इनको यहाँ से अलग अलग अटैच करेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को हम अलग से ही खुला रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक साइड में फिटिंग कर ली है, अब हम दूसरी साइड में भी इसी तरीके से फिटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों साइड में फिटिंग कर ली है, अब हम नीचे के बॉटम पार्ट को इस टाइप से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। और तो देखिए हमने यहाँ पर बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लिया है, अब हम यहाँ पर नीचे की साइड में ये लेस अटैच करेंगे। तो इस टाइप से ऊपर की साइड में रखते हुए सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर प्रिंस कट सूट बनकर तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।